जनाब वक्त के बाद खुश आमदीद, और हमारे पास हैं इब्राहिम साहब, खान साहब। खान साहब, कल भी आपसे बात हुई थी और आपने बड़ी हमें अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई, बड़ी इन्फॉर्मेशन थी उसमें। तो अब आप ये बताएं कि आपने लाहौर को पूरे को चेक किया, हर हल्के में आप गए हैं, तो क्या अमन अमान है, ये फौज आ चुकी है या पोलिंग का अमला और पोलिंग का सामान पहुँच चुका है, जी बताएं प्लीज। फौज तो सारी मुकम्मल तौर पर आ चुकी ही है, ठीक है, मैंने हर तरफ देखा है इसको, तो अमन है माशाल्लाह। हमारी अफवाज जो है ना इसको देख रही है, और ज़्यादातर मैंने जो ना दिलचस्पी देखी ख्वातीन में, अच्छा, यंग जो है, जो ओल्ड हैं माशाल्लाह, वो जो ना बहुत दिलचस्पी ले रही है कि कब 25 जुलाई कब आए और हम वोटिंग कर लें जाए। ये आपका बात बिल्कुल सही है कि ये वो इलेक्शन है बाबे कायदे आजम के बाद, मैंने देखा ये भुट्टो साहब के दौर में इलेक्शन हुए थे, कि अब इतना शौर आ चुका पाकिस्तानी अवाम में कि औरतें, मर्द, बेटियां, बेटे, जवान, नौजवान, लड़के, लड़कियां वोट में, इलेक्शन में बड़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई तब्दीली आ जाए, पाकिस्तान में कोई अच्छाई पैदा हो जाए और पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो जाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क का आमी नासर हो। जी, 2013 में जो इलेक्शन हुए थे ना, इतनी ज्यादा जो ना गहमा गहमी नहीं थी, नहीं थी, मगर इस बार जो 2018 में है, देखने को आ रहा है बिल्कुल सब कुछ। हाँ, सही है, भी आपकी बात सही है। जवान है, बूढ़े हैं, लेडीज है, मर्द है, सब में पावर है कि हम वोटिंग करने जाएं और हम बताएं कि हम पाकिस्तानी सब एक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अब एक वक्फे के बाद हम दोबारा आएंगे।